नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जहाँ पे बड़ी सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो मैसेज वगैरह में भी लिख रही हैं और मुझे कुछ एक पर्सनली भी कॉल कर रही हैं कि उनके जो हॉनोरेरियम है उसके बारे में बताओ। तो आपको क्लियर कर दें कि अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो हॉनोरेरियम है वो नहीं आया है। जैसे ही जो हॉनोरेरियम आएगा आपको इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इवन अभी तो जो सुपरवाइजर्स हैं उनका भी जो सैलरी है वो आफ्टर मई मंथ की नहीं मिली है। इवन CDPOs और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनकी भी जो सैलरी है मई मंथ के बाद नहीं मिली है। तो इसलिए अभी थोड़ी पे में जहाँ हॉनोरेरियम में नहीं आ रहा है, तो जैसे ही हॉनोरेरियम वगैरह आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो है कि जो PMMBY के फॉर्म्स आंगनवाड़ी वर्कर्स भरती हैं उसके बाद जैसे ही सुपरवाइजर्स वेरीफाई करते हैं जहाँ जो कंसर्न्ड वर्दी CDPOs हैं वो अप्रूव करते हैं फॉर्म्स को, तो उसमें एक बात कुछ एक फॉर्म्स को ऊपर लिखने में आ रहा है कि बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन आफ्टर 580 डेज फ्रॉम LMP डेट। तो आप जी देख रहे होंगे कि इसमें भी जैसे एक फॉर्म फिलअप किया है जो शरीफा बेगम का है जो कि हमारी बेनिफिशरी है। तो ऊपर जहाँ पे जे दे रहे हैं सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन आफ्टर 580 डेज फ्रॉम LMP डेट। दैट मीन्स ऐसे जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बात ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इशू है, फर्स्ट इशू का ये मतलब है कि जो पहली बार प्रेगनेंसी होती है उसमें आप जो लास्ट कितने जो LMP डेट से आप अगर टाइम गिनेंगे तो जो 580 डेज हैं 580 दिनों तक ही आप फॉर्म भर सकती हैं। जब LMP डेट से जो 580 दिन हैं जी फॉर्म आपने अगर नहीं भरा है बेनिफिशरी का, उसके बाद जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होगा, वो एंटरटेन नहीं होगा। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि 580 डेज कितने होते हैं, तो अगर हम जी काउंट करेंगे तो एक तो जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है वो ऑलमोस्ट 270 डेज प्रेगनेंसी में आ जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम दोबारा से देखें कि जो नेक्स्ट 9 मंथ हैं जो 9 महीने का जब बच्चा होता है तो भी जो 270 डेज करें तो वो हो गया 540 डेज। तो 40 डेज एक्स्ट्रा दिए गए हैं, दैट मीन्स अराउंड जब बच्चे की एज 10 महीने की है उससे पहले पहले आपने क्या करना है, फॉर्म्स को अपलोड कर देना है। अगर आप उन फॉर्म्स को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है वो बच्चों के फॉर्म्स जहाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके जो फॉर्म्स हैं वो अप्रूव नहीं होंगे, वो एंटरटेन नहीं होंगे। इसलिए वर्कर को यही ध्यान रखना है कि आपने कब जो मिनिमम आपने जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, फर्स्ट इशू की बात कर रहा हूँ, पहली प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चा जब 9 महीने, आप 9 महीने ही लेके चलें कि 9 महीने के अंदर अंदर आपने फॉर्म को फिलअप करना है। और पहले फॉर्म इसमें आपको बताते चलें कि जो फर्स्ट इशू है इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में ही पैसे मिलेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट में जो पैसे हैं वो 2000 रुपया मिलेगा, जो कि हम आपने क्या करना है कि जो चेकअप वगैरह है एंटीनेटल चेकअप प्रेगनेंसी के दौरान जब भी करवाएंगे तो तब फॉर्म भर देना है। और दूसरा जो है जब आप अपलोड करेंगे इम्यूनाइजेशन और बर्थ डिटेल जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा तब आप फॉर्म भरेंगे, तो तब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट 3000 रुपये की मिलेगी। अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स में जे भी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को तंग कर रहे हैं कि आपने फॉर्म्स तो ऑनलाइन किए थे लेकिन हमारे पैसे क्यों नहीं आए हैं। तो उनके लिए भी एक इस समय एक क्रिटिकल सिचुएशन सी बनी हुई है। तो अभी किसी भी जो न्यू पोर्टल है अभी तक किसी भी बेनिफिशरी का जो पैसा है वो अप्रूव नहीं हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पैसे नहीं दिए हैं। तो आप कह सकते हैं बेनिफिशरीज को कि आपके पैसे अभी अप्रूव नहीं हुए हैं। तो कुछ एक ये भी पूछते हैं कि जो CDPO की ID में हमें वहाँ से पता चलना चाहिए कि जो बेनिफिशरी हैं उनके पैसे कहाँ गए हैं, तो इनेबल वो ऑप्शन इनेबल तो तभी हो सकता है जबकि पैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से जो पैसे हैं वो बेनिफिशरी को DBT मेथड से उनके अकाउंट में जाएंगे। तो जो न्यू पोर्टल है जब का जो लॉन्च हुआ है तब के अभी तक
टिल डेट जो बेनिफिशरी के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं। तो होप कर सकते हैं जे कि जल्द ही जो है जे प्राइम मिनिस्टर एक ही बार जो है वो पैसे वगैरह हैं जो बेनिफिशरी के जितने भी आपने इनरोल किए हैं और जो वेरीफाई हुए हैं और जो वर्दी CDPO से अप्रूव हुए फॉर्म्स उनके जल्दी ही पैसे आ जाएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे तो हम आपको JV इंटीमेट कर देंगे। तो जो सेकेंड गर्ल चाइल्ड है जी, आपको रिपीट ही कर रहा हूँ कि आप जो 31 अक्टूबर तक जो हैं आपने कौन से फॉर्म में एंटरटेन कर सकते हो, जिन बच्चों का बर्थ, जिन बच्चियों का, सेकंड गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिन बच्चियों का बर्थ 1 अप्रैल 2022 के बाद हुआ है उन सभी फॉर्म्स को आप जो है फिलअप कर सकते हैं। और कईयों के माइंड में ये भी आता है कि जो सेकंड गर्ल चाइल्ड का है उसका जो फॉर्म है वो कब भरना है। सेकंड गर्ल चाइल्ड का जो फॉर्म है वो आपने जब बच्ची 3.5 महीने की हो जाएगी, उसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाएगी, उसके बाद ही फॉर्म जो है वो अपलोड करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।